अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बना रही हूँ फ्राई फिश बेसन वाली। ये फ्राई बेसन के बगैर भी कर सकते हैं, मैं बेसन वाली बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 kg फिश लिया। इसको मैंने 1 कप सिरका लिया था और 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने अजवाइन ली थी। ये तीनों चीज़ें ली थी, इसमें डाल के 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया था और 10 मिनट के लिए इसको रख दिया था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम अपने दूसरे मसाले जो हमने तैयार किए इस पे लगाने के लिए वो मैं दिखा देती हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने जवैन ली है, इसको मोटा मोटा पीस लिया है और एक टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1/2 टेबल स्पून ये मैंने कसूरी मेथी ली है, 1/2 टेबल स्पून मोटी कुटी मिर्च है लाल और 2 टेबल स्पून मैंने भुना कुटा धनिया लिया है, नमक लिया है 1/2 चाय का चम्मच क्योंकि नमक मैं पहले भी लगा चुकी हूँ और सास में भी नमक होता है, 1/2 चाय का चम्मच जो मैंने हल्दी ली है और 1 चुटकी ज़रदा कलर है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और ये इमली है मेरे पास, इसका मैंने पल्प बना लिया है, ये 2 चम्मच इसमें डालूंगी, 2 टेबल स्पून। अब ये सोया सॉस है और चिली सॉस है, ये 1 चाय का चम्मच, 1 टीस्पून ये सिरका सोया सॉस जाएगा और 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस जाएगा। ये सारे मसाले इसमें डालें, सारे मसालों को मैं करती हूँ मिक्स। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और ये इमली का पल्प डाल दिया, साथ ही इसमें जो अजवाइन डाल दी, जीरा, कसूरी मेथी, मिर्च, गरम मिर्च, धनिया पाउडर और ये जो सारे मसाले डाल दिए इसमें, चिली सॉस डाल दिया, और सोया सॉस। नमक की मिकदार जो है वो कम रखने क्योंकि सोया सॉस में चिली सॉस में भी नमक होता है और पहले भी फिश को नमक लगाया हुआ था इसलिए कम मिकदार में नमक डाल दिया। मसाले मेरे डाल लिए सारे, अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये बहुत ही अच्छा एक पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको फिश वाला पेस्ट भी कह सकते हैं। अब इसको मैं जो मेरे पास फिश के पीसेस हैं उनके ऊपर लगा देती हूँ। मसाला मैंने फिश को लगा दिया है, जो सारे मसाले बताए थे, और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ और जो चीज़ें दोबारा से हमने इसके ऊपर लगानी है वो मैं दिखा देती हूँ। इसको मैं फ्रिज में रख लूँ, फिश को मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि अच्छी तरह मसाले इसके अंदर चले जाएं। अब इसके ऊपर जो चीज़ें लगानी है वो मैंने लिया है, बेसन है मेरे पास 1/2 कप, ये डाल देना है, चावलों का आटा है बिल्कुल बारीक पीसा हुआ है, ये 1/4 कप है, इसको मिक्स कर लेना। एक कप मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको बैटर बना लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। मिक्सचर तैयार हो चुका है, इस तरह का मिक्सचर तैयार करना है।
इसको एक घंटा हो चुका है। मैंने ये जो बैटर तैयार किया था इसमें तड़का कलर डाला था ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। अब इसको इस तरह इसके ऊपर डाल देना है और सारे पीसेस को लगा लेना है। जी देखिए मसाला मैंने जो बेसन और चावलों का आटा तैयार किया था अच्छी तरह लगा दिया है। अब इसको जो आखिरी इसका काम है वो है फ्राई का। अब इसको फ्राई करना है। फ्राई के लिए मैंने घी रख दिया है ताकि वो अच्छी तरह गर्म हो जाए और इसको बिल्कुल लो आंच पे फ्राई करना है, तेज आंच पे नहीं करना। घी हमारा फुल गर्म हो चुका है। अब मैंने बिल्कुल इसकी आंच जो है वो लो कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरह इसमें पीसेस डाल देने हैं। जो फिश का मैंने इसको मसाला लगाया है, अगर आप इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच 3 इलायची डाल दें मसाले के अंदर तो सब्जी बहुत अच्छी बनती है। इसी तरह मैं पीसेस तीन चार चार करके डालती हूँ और इसको बिल्कुल लो आंच पे पकाना है। फिश हमारी फ्राई हो रही है, बहुत मैंने इसकी आंच लो की हुई है ताकि ये अंदर से भी पक जाए। हल्का हल्का इसका कलर आ चुका है लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा। तकरीबन इसको 15 से 16 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। फिश हाफ फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। दोबारा इसको कंप्लीट करेंगे। फिश हमारी हाफ फ्राई हो चुकी है, मैं दोबारा से पीसे डाल रही हूँ। इसको मैं दोबारा भी डन करने वाली हूँ। जी देखिए फिश हमारी हाफ डन हो चुकी है, अब मैं इसको कंप्लीट करने लगी हूँ। दोबारा से इसको डालना है जो पीसेस मैंने सबसे पहले निकाले थे। पाँच मिनट में इसको फ्राई करूंगी इसी तरह हल्की आंच पे और ये फिलिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। पहले मैंने इसको हाफ डन किया था, अब कंप्लीट कर रहे हैं इसको। बिल्कुल मैंने इसकी आंच लो की हुई है ताकि ये ऊपर से जल ना जाए और अंदर से कच्ची रह ना जाए, अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए। ये हमारी डाल हो चुकी है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। फिश हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबरदस्त फिश फ्राई तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी बनी है, बड़ी जबरदस्त बनी है और स्मेल भी इसकी खत्म हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बड़ी प्यारी अंदर से फ्राई हो चुकी है मुकम्मल।
आप भी इसको बनाएं, ट्राई करें, बहुत ही अच्छा इसका जायका भी आएगा।